Finance Stock Advisors. Let's make money. Hello friends, अगर आप एक first timer है और हमारे channel पे आए हैं तो please subscribe to our channel and hit the bell icon. फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं यूक्रेन रशिया के वॉर के चलते मार्केट्स का क्या हाल हो रखा है. इंडिया विक्स जो कि मार्केट की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है वो 30 के आसपास चल रहा है. ऐसी वॉलेटिलिटी हमें लगभग 2 साल पहले जून 2020 में देखने मिली थी. इन्फ्लेशन और क्रूड ऑयल ने मार्केट्स को परेशान कर रखा है. FIIs बस सेल ही किए जा रहे हैं. तो ऐसे में अपने सब्सक्राइबर्स को यही सलाह होगी कि कीप अ लो प्रोफाइल इन दीज मार्केट्स. रिमेंबर दैट इन स्टॉक मार्केट्स मनी प्रोटेक्टेड इज मनी अर्न्ड. लोग आपको कहेंगे कि बाय ऑन डिप्स, दिस इज अ गुड टाइम. बट फ्रेंड्स, ऑनेस्टली वी रियली डोंट नो कि फाइनल डिप कहां है, किस लेवल तक ये मार्केट और डिप हो सकता है. एक बहुत अच्छा मैसेज सर्कुलेट हो रहा था सोशल मीडिया पर. फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बंदा बोल रहा है बॉट द डिप, नेक्स्ट बोल रहा है द एक्चुअल डिप, नेक्स्ट बोल रहा है द डिप ऑफ द डिप, और उसके बाद द डिप ऑफ द डिपिटी डिप डिप. तो फ्रेंड्स, ऐसे चांसेस है कि कोई शेयर को आप खरीदते हैं वो और गिर सकता है और स्टॉप लॉस हिट कर सकता है. बट ऑन अ पॉजिटिव नोट फ्रेंड्स, ये सिचुएशन ज्यादा वक्त नहीं चलेगी. हमने करगिल वॉर के वक्त भी ये देखा है, रिकवरी के सिग्नल्स मिलते ही हम फिर से बाइंग के हंट पे निकल पड़ेंगे. बट फ्रेंड्स, इस मार्केट कंडीशंस में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बाइंग फेवर कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, और वो हमारे लिए एक अच्छे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं. बिना टाइम वेस्ट किए हम उन स्टॉक्स पर नजर डालेंगे. तो फ्रेंड्स, हमारा पहला स्टॉक है टाटा स्टील. रशिया स्टील का 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और यूक्रेन 13th लार्जेस्ट. करंट वॉर की वजह से ग्लोबली स्टील की कमी महसूस होने वाली है. हाल ही में चाइना का फोकस स्टील एक्सपोर्ट्स को कम करने पर रहा है. ये सारी चीजें इंडियन स्टील कंपनीज को एक्सपोर्ट बिजनेस में बहुत हेल्प करेगी. इनडायरेक्टली मोर रेवेन्यूज मोर प्रॉफिट्स. ग्लोबली स्टील स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं. इंडिया में भी स्टील स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं. लेकिन फ्रेंड्स, टाटा स्टील ही क्यों? हमारा एनालिसिस के अनुसार ये स्टॉक फिलहाल 26% अंडरवैल्यूड है, यानी कि सस्ता मिल रहा है. कंपनी फंडामेंटली अच्छी लग रही है और इस साल प्रॉफिटेबल है. अगर हम चार्ट्स की स्टडी करेंगे तो इसके कई इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स पॉजिटिव है और स्टॉक ने डबल बॉटम फॉर्मेशन क्रिएट की है चार्ट्स पर. ये सारी चीजें स्टॉक के फेवर में है तो हम इस स्टॉक में कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं. यहां से आगे ये स्टॉक 20% की अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है. दूसरा स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, यानी कि डीमार्ट. हम सब जानते हैं कि ये स्टॉक का बिजनेस मॉडल इस कंपनी का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. इस स्टॉक की 18 अक्टूबर 2021 को पीक प्राइस थी 5,900. स्टॉक ने 3,940 के लेवल्स के अराउंड एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया और 20 फरवरी 2022 को एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला इस काउंटर में, और अब ये अपनी उड़ान भर रहा है. आज के डेट में ये स्टॉक पीक प्राइस से 33% नीचे चल रहा है. इस साल के इसके अर्निंग्स फोरकास्ट लगभग 35% है और पिछले 5 सालों में हर साल 14% की अर्निंग्स ग्रोथ इस कंपनी ने देखने मिली है. बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, लेकिन यस, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है. स्टॉक काफी लो वोलेटाइल है और ये इसका इस समय सबसे बड़ा एडवांटेज है. इसमें 20-25% अपसाइड पोटेंशियल यहां से देखने मिल सकता है. फ्रेंड्स, तीसरा स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल्स. इस स्टॉक की 26 नवंबर को पीक प्राइस थी 5,935. अब ये चल रहा है 4,900 लेवल्स पर, यानी कि लगभग 17% पीक प्राइस से नीचे. इस स्टॉक ने ऐसे खराब मार्केट में काफी अच्छा रेजिस्टेंस दिखाया है. इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ पिछले साल अराउंड 450% थी और इसका अर्निंग्स फोरकास्ट इस साल लगभग 15% का है. अराउंड 200 डेमा के ऊपर इस स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट बनाया था और 20 फरवरी को कंसोलिडेशन रेंज से एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है. ब्रेकआउट के बाद बाइंग इंटरेस्ट बढ़ रहा है स्टॉक में. इसके पी और आरओई में इशू दिख रहा है, लेकिन इसकी करंट टेक्निकल्स को देखते यहां से 15-24% का अपसाइड एक्सपेक्ट किया जा सकता है. फ्रेंड्स, आप याद रखिए, ऐसे मार्केट कंडीशंस में आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस लगाकर ट्रेड लेना होगा और केवल हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स ही ट्रेड लेंगे. स्टॉप लॉसेस को आप वीकली क्लोजिंग बेसिस पर फॉलो करेंगे. एग्जिट व्हेन स्टॉप लॉस ट्रिगर्स. आप अपने रिस्क एपेटाइट के बेसिस पर 5-10% का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं टू बी फॉलोड ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस. कुछ और स्टॉक्स है जिस पर हमने नजर रखनी चाहिए. IEX माइंडट्री परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये काफी अमेजिंग स्टॉक्स है और बाय सिग्नल ये जल्द ही दे सकते हैं, तो इन स्टॉक्स पे हमारी नजर डेफिनेटली होनी चाहिए. फ्रेंड्स, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप कौन सा स्टॉक लेना चाह रहे हैं इस मार्केट कंडीशन में, ताकि हम अपना एनालिसिस उन स्टॉक्स पर प्रोवाइड कर सके. तब तक के लिए फ्रेंड्स, हैप्पी इन्वेस्टिंग और जय हिंद.